जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम कब यूनिफॉर्म यानी कब की वर्दी किस प्रकार की होती है इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक कब किस प्रकार के यूनिफॉर्म पहनेंगे, कब की वर्दी किस प्रकार की होती है, वर्दी में जो बैजेस लगे होते हैं उसे किस प्रकार लगाया जाता है, इन सभी की संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैं आकाश अकेला, राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सह एडवांस स्काउट मास्टर, अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। अगर आप एक स्काउट या गाइड है तो स्काउट गाइड की वर्दी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जान रहे हैं कि कब की वर्दी किस प्रकार की होती है, एक कब किस प्रकार के यूनिफॉर्म पहनेंगे। APRO भाग 2 के अनुसार एक कब की संपूर्ण वर्दी क्या होती है, नीचे पैर के सूज से लेकर के ऊपर सिर के कैप की संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। कब यूनिफॉर्म में जो बैज लगे होते हैं, सदस्यता बैज हो, बीस्ट ब्रदरहुड बैज हो, सिख एम्बलम हो, इन सभी की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे कि उसे हम किस प्रकार अपने यूनिफॉर्म में सही तरीके से लगाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग कब यूनिफॉर्म वर्दी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें, और आप लोग वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हमें उम्मीद है कब यूनिफॉर्म से जुड़ी कोई भी प्रश्न आपके मस्तिष्क में बिल्कुल नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग कब यूनिफॉर्म से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। APRO भाग 2 के अनुसार एक कब निम्न प्रकार के यूनिफॉर्म या वर्दी या गणवेश को पहनेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग यूनिफॉर्म के अंतर्गत कमीज यानी शर्ट के बारे में। स्टील गरे रंग की दो पैच पॉकेट वाली कमीज जिस पर दो शोल्डर स्ट्रेप लगे हो, आधी या लपेटी हुई आस्तीन के साथ पहनी जाएगी। सर्दी के मौसम में आस्तीन नीचे की जा सकती है। यानी कब यूनिफॉर्म के अंतर्गत जो कब का शर्ट होता है वो आपका स्टील ग्रे रंग की होगी और उसमें दो पैच पॉकेट होंगी और साथ ही साथ दो शोल्डर स्ट्रेप्स लगे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं हम लोग कब यूनिफॉर्म के अंतर्गत ही नेकर या पैंट नेवी ब्लू रंग की होगी। उसके बाद हम लोग जानते हैं कब के सिर की गणवेश के बारे में यानी उनके कैप के बारे में। नीले रंग की टोपी जिस पर पीले रंग की पाइपिंग लगी हो, जिस पर राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्राप्त वुल्फ कब का लोगो यानी चिन्ह लगा होगा पहनेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग बेल्ट के बारे में। स्लेटी रंग की नाइलेक्स बेल्ट जिस पर राष्ट्रीय संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया भारत स्काउट्स व गाइड्स का अधिकृत बक्कल लगा होगा उसे पहनी जाएगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग स्कार्फ के बारे में। हरा रंग, पीला रंग और बैंगनी रंग को छोड़कर ग्रुप के रंग वाला त्रिभुजाकार स्कार्फ जो स्थानीय या जिला संघ द्वारा मान्य होगा, गर्दन के चारों ओर वो कॉलर तथा शोल्डर स्ट्रेप के ऊपर ग्रुप बोगल के साथ पहना जाएगा। स्कार्फ की दोनों भुजाएं कम से कम 70 सेंटीमीटर तथा अधिक से अधिक 80 सेंटीमीटर लंबी होगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग शोल्डर पैच के बारे में। सिक्स के लिए निर्धारित रंग का 4 सेंटीमीटर लंबाई का समबाहु त्रिभुजाकार कपड़े का शोल्डर पैच बाईं बांह के कंधे के ठीक नीचे की ओर शीर्ष ऊपर की ओर करते हुए लगाया जाएगा। इस प्रकार आप शोल्डर पैच को लगाएंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं शोल्डर बैज के बाद सफ़ेद कपड़े का 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा शोल्डर बैज जिस पर लाल रंग से ग्रुप का क्रमांक व नाम लिखा होगा। दोनों कंधों की सिलाई के ठीक नीचे की ओर हल्का घुमाव के साथ सिलाई करके लगाया जाएगा। अब जानते हैं हम लोग सदस्यता बैज के बारे में। नीले रंग की पृष्ठभूमि पर कपड़े का बैज जिस पर पीले रंग से 3 पंखुड़ियाँ
फ्लर डिलिस तथा इसके अंदर की ओर पीले ही रंग का तिरदल कमल ट्रीफॉइल तथा बीच में पीले रंग से ही अशोक चक्र बना होगा। कमीज की बाईं जेब की खड़ी पट्टी पर जेब की ढक्कन पर लगे बटन तथा जेब के आधार वाली सिलाई के बीचों बीच लगाया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार आप एक कब अपना यूनिफॉर्म पर सदस्यता बैज को लगाते हैं। अब जानते हैं हम लोग विश्व स्काउट बैज। इसे सदस्यता बैज की तरह ही कमीज की दाहिने जेब की खड़ी पट्टी पर लगाया जाना चाहिए। यानी जैसे आपने सदस्यता बैज को लगाया है अपने बाईं पॉकेट पर, उसी प्रकार आप इसे विश्व स्काउट बैज को आप लगाएंगे अपने दाहिने जेब की खड़ी पट्टी पर। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग जुराब के बारे में। घुटने के नीचे काले रंग की जुराब पहनी जा सकती है, यानी कब का जो जुराब होगा वो आपकी काले रंग की होगी। उसके बाद जानते हैं हम लोग जूते के बारे में। तो ये कब का जो जूता होगा वो काले रंग के फीतेदार जूते पहने जाएंगे। उसके बाद आपका है भारत स्काउट्स एवं गाइड्स पट्टी। राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा निर्धारित और उपलब्ध कराई गई यह पट्टी, जिस पर दी भारत स्काउट्स एवं गाइड्स लिखा होगा, कमीज की दाई जेब के ठीक ऊपर लगाई जाएगी। यह पट्टी 11 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर की होगी। इसकी दाई तरफ 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर में तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज होगा और शेष भाग में भारत स्काउट्स व गाइड्स लिखा होगा। ये थे एक कब के यूनिफॉर्म की जानकारी। यानी यह प्यारो भाग 2 के अनुसार एक कब निम्न प्रकार के यूनिफॉर्म को सही एवं सटीक तरीके से पहनेंगे। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।